आत्मविश्वास दिल छू जाने वाली कहानी। दक्षिण भारत में एक राज्य था। राज्य सेना विस्तार और धन के मामले में बाकी राज्यों से थोड़ा छोटा था। यहाँ का राजा अपनी प्रजा का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता था। वो ये सुनिश्चित करता था कि उसकी प्रजा हमेशा खुश और सुखी रहे। सैन्य बल कम होने की वजह से अक्सर इस राज्य पर पड़ोसी राजा का हमला कर इस राज्य को हथियाना की कोशिश करते थे। लेकिन राजा और राज्य को चाहने वाले सैनिक जी जान से उनका सामना करते और अपने राज्य को बचाते। एक बार इस राज्य पर 10 गुना बड़े सैन्य बल वाले राज्य ने हमला करने का ऐलान किया। इस वजह से इस राज्य के हिम्मती सैनिकों की हिम्मत जवाब दे गई। राजा को अपने सैनिकों को यूं डरा हुआ देखकर चिंता होने लगी। राजा ने अपने सेनापति के साथ एक बैठक कर इस बारे में काफ़ी सोच विचार किया। राजा ने इस समस्या के लिए सेनापति से उपाय मांगा। राजा ये देखकर दंग हो और निराश हो गया कि उसकी सेना का सेनापति भी इस घटना से डरकर हार मानने की ओर आत्मसमर्पण करने की बात कर रहा था। उसके हिसाब से इतनी बड़ी सेना का सामना करने के करके सैनिकों की जान गंवाने से अच्छा है सामने वाले राजा से हार स्वीकार कर समझौता कर लिया जाए। अपने सैनिकों और सेनापति के ऐसे रवैये से निराश राजा अपने सन्यासी गुरु के पास जाता है और सारी परिस्थिति उन्हें अवगत करता है। राजा की बात और परेशानी समझने के बाद गुरु उससे कहता है कि सबसे पहले उस सेनापति को कारागार में डाल दो जो बिना लड़े ही हार मान गया। राजा ने कहा, अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? गुरु ने कहा, मैं भी इसी राज्य में रहता हूँ और अब मुझे भी अपने राज्य का ऋण चुकाने का अवसर मिला है, इसलिए मैं सेना का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूँ। हालांकि राजा को ये समझ नहीं आ रहा था कि एक सन्यासी गुरु जिसने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा कैसे सेना का निवृत्त कर सकता है। लेकिन कोई मार्ग न होने से राजा मान गया। गुरु अपनी हताश सेना को लेकर युद्ध के लिए कुछ कर गया। चलते चलते सेना एक मंदिर के पास पहुंची। गुरु ने सेना को वहीं रोका और बोला, आप सभी को यही ठहरो, मैं इस मंदिर में जाकर भगवान से पूछकर आता हूँ कि इस युद्ध में हम जीत पाएंगे या नहीं। अपने नए सेनापति की बात सुनकर सभी सैनिकों को अजीब लगा। कुछ सैनिकों ने उन्हें पूछा, इस मंदिर में पत्थर को मूर्ति कैसे आपको हमारी हार जीत के बारे में बताएगी। गुरु ने कहा, मैं सन्यासी जीवन के दौरान तपस्या कर कुछ दिव्य शक्तियों पाई है जिनकी मदद से मैं भगवान से बात कर सकता हूँ। इतना कहकर वो मंदिर में अंदर चले गए। कुछ मिनटों बाद जब गुरु लौटा तब सैनिकों ने उनसे पूछा कि भगवान ने उससे क्या कहा। गुरु ने कहा, भगवान ने कहा है अगर आपको मंदिर में कोई रोशनी दिखाई दे तो आपकी जीत पक्की है। अब सभी सैनिकों उसी मंदिर के पास रुककर मंदिर की तरफ देखने लगे। इस आशा में कि उन्हें वहाँ पर कोई रोशनी दिखाई दी। वे सभी पूरा दिन वहीं पर बैठे रहे और आखिरकार शाम होते होते उन्हें मंदिर में एक रोशनी दिखाई दी।
सभी सैनिक खुशी से झूम उठे और एक नए आत्मविश्वास के साथ युद्ध के लिए रवाना हुए। ये युद्ध आसान नहीं था, लेकिन सभी सैनिक इतने आत्मविश्वास भरे हुए थे कि कोई हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। 21 दिन लंबे युद्ध के बाद इस छोटे के राज्य के बहादुर सैनिकों ने अपने से कई गुना बड़ी सेना को हरा दिया। जीतने के बाद अपने राज्य वापस लौटते समय रास्ते में फिर वही मंदिर आया तो सैनिकों ने गुरु से कहा कि वो मंदिर जाकर भगवान को इस जीत के लिए धन्यवाद कहकर आते हैं, क्योंकि भगवान ने उन्हें रोशनी दिखाकर इस जीत का भरोसा दिलाया था। गुरु ने अपने सैनिकों से कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो रोशनी एक दीपक की थी जिसे उन्होंने ही दिन में वहाँ जलाया था। दिन में सूरज की रोशनी के कारण दिए की रोशनी की किसी को नज़र नहीं आई, लेकिन जैसे ही सूरज ढला तो दिए की रोशनी सबको दिखाई देने लगी। गुरु की समझदारी और बुद्धि के कारण एक असंभव काम भी संभव हो गया। सभी सैनिकों और राजा ने गुरु के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दोस्तों, यह प्रेरक कहानी एक राजा, सैनिक या गुरु की जरूर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हीरो है आत्मविश्वास। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आपके लिए हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें।